नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर और मैं हूं डिंपी काल रहा था। आज मार्केट के अंदर फिर से वही देखने को मिला जो एक्सटेंशन ऑफ अ वर्जन कह सकते हैं कि वो आज क्लियरली विजिबल था। कल बाजार ने बेस बनाया, आज उसको एक्सटेंड कर रहा है। और ये बात सुबह हमने आपके सामने रखी थी कि बाजार के अंदर शॉर्ट करते समय थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखें, तेज़ी तो शायद आपके हक में ही रहेगी। फिलहाल इस समय का एक बार नज़र डाल लेते हैं कि मार्केट में आखिरकार हुआ क्या है। बाजार अब तक के अंदर आज से देखें तो मार्केट के अंदर वापस एक सीमित दायरे का कारोबार था, ये ठीक आधे घंटे पहले तक। लेकिन उसके बाद जैसे विजय बैंक के नंबर्स आए, बैंकिंग में एकदम से तेज़ी आती हुई दिखी है और सरकारी बैंकों में जो तेज़ी आई है उसने बाजार को इस स्तरों पर लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे 750 का लेवल बहुत ईजिली देखा जा सकता है। तो सरकारी बैंकों में बढ़त एक बड़ी वजह रही। आज मेटल और ऑटो को छोड़ सभी सेक्टर्स में बढ़त है और उसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट दिखा फार्मा। आज कई दिनों बाद फार्मा स्टॉक्स के अंदर वापस तेज बढ़त आती हुई देखी है। डॉक्टर रेड्डीज का शेयर तो करीब 4% ऊपर था। इंडिया विक्स में 2.5% की गिरावट ये इंडिकेट कर रही है कि सौदे मंदी के कम खड़े कीजिए। अगर खड़े करने हैं तो लॉन्ग के या फिर अपने प्रॉफिट को आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जानकारों का अब तक का एनालिसिस ये कहता है कि अगर ये बढ़त जारी रहती है तो हो सकता है 9000 का लेवल भी इसी सीरीज में आ जाए, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स भी अभी तक तो ठीक ही नजर आ रहे हैं और ये भी बाजार को काफी तक सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट 9000 के लेवल की बात हो भी रही है। कल से हमने जितने जानकारों से बात की उनका भी यही कहना था कि 9000 इज़ अ पॉसिबिलिटी और ये डेफिनेटली होगा मार्केट में। इस समय भी निफ्टी 8750 को पार करने के बाद उन लेवल्स के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक फाइन प्रिंट बाहर आने के बाद भी बाजार या मार्केट ऐसा कुछ नहीं ढूंढ पाया है कि जिसके आधार पर ये गिरने की कोशिश करे। विवेक गुप्ता इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो 8750 के पार भी निकला निफ्टी, डेफिनेटली मार्केट इज आइंग 9000। आपने क्या ट्रेड किया है आज? गुड आफ्टरनून। हमने अगर दिन में ही निफ्टी की बात करें तो 8700 के आसपास निफ्टी में बाई कॉल दिया था और 8750 और 8780 तक के टारगेट्स रखे थे। निफ्टी इज वन थिंग विच वी आर ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी में भी हमने लॉन्ग्स किए थे। बैंक निफ्टी में हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। 20150 का टारगेट रखा था, 20146.90 का बैंक निफ्टी हाई कर चुका है। मैं अभी भी बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहूँगा दोनों में। निफ्टी में अगर फिर से डिप्स मिलता है तो बाई करना चाहिए 8800 के टारगेट के लिए, और बैंक निफ्टी में भी डिप्स मिलता है तो 20200 के टारगेट के लिए बाई करना चाहिए। ठीक है। इस बीच गोदरेज एंड प्रॉपर्टीज़ के नंबर भी आए, नंबर काफ़ी शानदार थे और प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही टर्म्स में हमने अच्छे नंबर्स आते हुए देखे हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी आएंगे कि यहाँ पे शानदार मूव देखने को मिला और करीब 24% ₹24 की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। क्योंकि नंबर्स इंटरेस्टिंग है तो मार्केट वैसे भी रियल एस्टेट को लेकर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा था। इस बीच मिस्टर गोदरेज हमारे साथ जुड़े हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही है, आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। That the government's intent and one of its key deliverables as it sees it is the promotion of affordable housing stock, which we think will benefit the industry tremendously. To build on that, I think the combination of the Real Estate Regulation Act and demonetization is going to combine to lead to better governance in the sector over the coming years, which will again give customers that confidence to come back to the real estate market. So all in all, I think we're expecting a very exciting few years ahead for the sector and hope to do the best we can in that kind of an environment. I'd also, before we take any questions, just like to comment on a couple of leadership changes the company's just announced. So my father, who has been chairman of this company since the company was actually started in the 1990s, is now going to, on April 1st, transition into a chairman emeritus role. I'd like to thank him for the tremendous work and tremendous foresight he's shown in building the company to this level. I'm very excited to be taking on the executive chairman role myself, and would like to thank the board of directors for their support and encouragement. And I'd also like to congratulate my colleague Mohit Malhotra, who's been an executive director at Godrej Properties for the last 2 years and is someone I've worked very closely with over the last 7 years in various capacities. And he is now being appointed as the new managing director and CEO of the company. And I'm extremely confident that he will be able to take the company to new heights under his leadership. Mm-hmm. So thank you. तो ये थे बिरोज शाह गोदरेज, जो कि अब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के चेयरमैन होंगे, और मिस्टर आदि गोदरेज वो अब चेयरमैन एमेरिटस होंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के। वैसे भी एग्जीक्यूशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिरोज शाह गोदरेज ही गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का कामकाज संभाल रहे थे कई सालों से। लेकिन कल बजट के बाद एक चीज़ की संभावना बढ़ी है
और वो है डिविडेंड पे आउट की। खासकर टाटा कम्युनिकेशंस पर ये एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। और ख़ास चीज़ ये है कि अगर जो BSNL की ज़मीन है उसकी बिक्री होती है तो इसका सीधा फ़ायदा कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी होगा। सुमित हमारे साथ इसके फाइन प्रिंट लेकर मौजूद हैं। सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर, कल बजट में सरकार ने विनिवेश का बड़ा ही एग्रेसिव लक्ष्य रखा है। करीब करीब 74,000 करोड़ रुपए सरकार के विनिवेश के जरिए जुटाने की योजना है और इस विनिवेश के लिए सरकार अपने सभी एसेट्स जो उनके पास हैं उनको सेल ऑफ कर सकती है, जिसमें BSNL की ज़मीन प्रोमिनेंटली है कि 10 अगस्त के आसपास सरकार ने पहले ही ज़मीन को बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल वो ज़मीन है जो कि BSNL से टाटा कम्युनिकेशन BSNL का जब करार हुआ था तो ये ज़मीन का हिस्सा जो है BSNL के पास अभी भी है, जो कि सरकार के पास है, और उन्होंने एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया, जिसका जो कि HPIL के नाम से जाना जाता है। इसमें करीब 51% हिस्सेदारी सरकार की है। सरकार के पास ये विकल्प हमेशा खुला है कि वो इस ज़मीन को बेच सकती है और एक आकलन ये लगाया जा रहा है कि एक बड़ी हिस्सेदारी इस ज़मीन के अंदर सरकार की है और अगर सरकार इस हिस्सेदारी को बेचती है तो उन्हें हर उस शेयर होल्डर को जो कि टाटा ग्रुप के अलावा कंपनी के अंदर निवेशित, इसमें छोटे निवेशक शामिल हैं, उनको स्पेशल डिविडेंड देते हुए दिखाई पड़ सकती है। यहाँ दो तरह के विकल्प बनते हैं मेयर अगर ये ज़मीन बिक्री होती है तो। पहले विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो जमीन की जो कुल वैल्यू है वो रफली 6000 करोड़ रुपए के आसपास है, 6156 करोड़ रुपए के आसपास है और कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए इसकी वैल्यू करीब करीब 216 रुपए प्रति शेयर के आसपास बैठती है। यानी कि अगर इस हिसाब से केवल जमीन बिक्री करती है सरकार तो आम जो एक डिविडेंड दिया जा सकता है, वो एक स्पेशल डिविडेंड दिया जा सकता है, वो रफली 150 से 200 रुपए प्रति शेयर के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये पहला सिनेरियो है। वहीं अगर दूसरे सिनेरियो की बात करें जो कि सरकार एग्जीक्यूट करना शुरू कर चुकी है, वो है NBCC के साथ मिलकर ये जमीन डेवलप कराई जाएगी और इस जमीन के डेवलपमेंट के बाद जमीन की जो वैल्यू बैठेगी वो करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठते हुए दिखाई पड़ेगी, जिसकी पर शेयर वैल्यू जो है वो करीब करीब 520 रुपए प्रति शेयर के आसपास बैठती है। अगर उस तरीके से सरकार इसको मोनेटाइज करती है तो रफली 450 से लेकर 500 रुपए प्रति शेयर के आसपास डिविडेंड आने तक की भी खबरें जो है वो बाजार में है। तो एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कंपनी किसी भी लिहाज से, यानी पहले ऑप्शन को भी अगर इस्तेमाल करती है या फिर दूसरे ऑप्शन को भी इस्तेमाल करती है, स्पेशल डिविडेंड हर हाल में आएगा, लेकिन जो स्पेशल डिविडेंड आएगा उसका जो वैल्यू है वो वैरी कर सकता है, वो या तो 150 से 200 रुपए भी बैठ सकता है या फिर 400 से 500 रुपए के आसपास भी बैठता दिखाई पड़ सकता है। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ वो ये भी है कि कंपनी इस कारोबार से निकलने के बाद अपना जो अंडर सी बिजनेस है, जो इनका अंडर सी केबल बिजनेस है, उसके ऊपर फोकस करेगी, जो कि जिसमें कंपनी दुनिया के चौथे पायदान पर आती है, दुनिया में चौथे पायदान पर कंपनी इस कारोबार को लेकर आती है, तो वो कारोबार के लिए एक काफी प्रोमिनेंट रहेगा और इस पूरे मामले के बाद उसके ऊपर फोकस करते हुए दिखाई पड़ेगी। ठीक है, दोनों इस सिनेरियो में एक चीज तो तय है कि आपको डिविडेंड मिल सकता है या सरकार NBCC के साथ मिलकर इसको डेवलपमेंट दे या फिर सीधा इसमें स्टेक सेल कर दे अपनी जो हिस्सेदारी है। इन बोथ द केसेस डिविडेंड मिलना ऑलमोस्ट तय है, सिर्फ वेरी करेगा। वीके शर्मा इसी मुद्दे में हमारे साथ जुड़े हैं HDFC सिक्योरिटीज के। शर्मा जी शुक्रिया, आप हमेशा से टाटा कम्युनिकेशन के इसी फैक्टर को गिनवाते रहे हैं और आपकी हमेशा से रिपोर्ट और पिक भी रही है। आप कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना डिविडेंड आ सकता है, सरकार किस मॉडल अपरेंडी के साथ डिविडेंड दे सकती है? जी, हमारा ये मानना है इसमें कि करीब 200 रुपए पर शेयर तक डिविडेंड आ सकता है और उसके अंदर ये देखना चाहिए कि अगर वो जमीन बेची जाती है तो, और जमीन बेची जाए या फिर दूसरा ये है कि NBCC का जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो डेवलप करते हैं तो कीमत ज्यादा आ सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही अच्छा होगा कि वो जल्दी से जल्दी स्टॉक से निकले, जमीन बेचे और जो पैसा है सरकार को मिले और इन्वेस्टर को मिले। उसके बाद मेरे ख्याल से जो बड़ी बात है, आप डिविडेंड की तो आपने बात की, लेकिन जो बड़ी बात है वो बाद में आएगी कि एक बार जब जमीन अपना नहीं रखती है, हिस्सा बेच देती है गवर्नमेंट, तो 26% हिस्सा जो इसके पास एज अ होल्ड करती है ओरिजिनली ये सरकार इस कंपनी में, तो वो भी जब बेचेगी उसके बाद में टाटा कम्युनिकेशंस की री रेटिंग हो सकती है। ठीक है, और वो री रेटिंग काफी, एक तो जब उसके एसेट्स निकल जाएंगे जो उसकी सब्सिडियरी में है, तो यहाँ पे पूरा तवज्जो ये अपने मेन बिजनेस पे देगी और तब इसकी री रेटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो दो री रेटिंग संभव है डिविडेंड के बाद। तीन स्टेज का रॉकेट है, पहला तो आपका डिविडेंड मिलेगा, दूसरा गवर्नमेंट जब अपना स्टेक बेचेगी तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और तीसरी बात यह कि जब कभी भी ये अपना गवर्नमेंट जब माफ कीजिएगा कि इसकी जब तीसरे स्टेज में जब ये रीडिंग होगी तो ये लेवल्स करीब करीब
मेरे ख्याल से यहाँ से भी अच्छी खासी रिटर्न करीब 30% CAGR की आपको अगले 2-3 साल में भी मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो शर्मा जी, अगर किसी के पास नहीं है टाटा कम्युनिकेशन, इस ट्रिगर के लिए इस समय वो खरीद सकता है क्या? ये देखते हुए कि ओवरऑल इसका ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक है, तो हम ये देखते हैं कि जब कभी भी वो लेवल एक बार निकल जाता है ऑल टाइम हाई का, तो मेरे ख्याल से आप चेक कर सकते हैं किसी एनालिस्ट से, करीब 780 जैसा कुछ इसका ऑल टाइम हाई होगा, उसके ऊपर जब ये क्लोज होता है तो यहाँ पे तकनीकी लेवल पे सुदृढ़ हो जाता है, और ऐसी कोई भी जो डेवलपमेंट आती है जो डिविडेंड को बताती है कि डिविडेंड अभी आएगा, इस डेट को आएगा या सरकार ने तय कर लिया है, तो फिर ये डेफिनेटली और फर्दर इम्प्रूवमेंट इसमें आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये लंबी रिस्क का घोड़ा है इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, ट्रेडिंग की दृष्टि से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा।